मुहर्रम के महीने में उर्स आली मकाम भी मनाया जाता है। इस्लाम के नबी हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों द्वारा कर्बला में दी गई इस कुर्बानी को याद किया जाता है। पूरी दुनिया में मुसलमान 10 दिनों तक हज़रत इमाम हुसैन और उनके बाद तक साथियों की कुर्बानियों को याद करते हैं, साथ ही में मातम करने की परम्परा है। इमाम बाड़े में मुहर्रम की 5 तारीख को टिपारिया बाहर निकाली गई। प्रोटोकॉल के नियमों को देखते हुए इमाम बाड़े में ही बाबा साहेब पर आमद हुई और साथ ही में यहां पर ही सारी प्रक्रिया पूरी की गई। गड़ा मुजावर मोहल्ला में प्रोटोकॉल के नियमों के साथ मुहर्रम की 5 तारीख और 10 तारीख तक होने वाली सभी रस्मों को प्रोटोकॉल के नियमों के मुताबिक मनाया जा रहा है। जी बताएं, आज दोपहरी का 5 तारीख थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रम शरीफ उर्स इमाम अली मुकाम की 5 तारीख है। उपनगरी क्षेत्र गढ़ा में जैसा कि शासन की गाइडलाइन चल रही है कि त्यौहार अपने आप मनाइए मगर सीमित संख्या में मनाइएगा। गढ़ा के इमाम बाड़ों में भी टिपारियों का जो उसूल होता रहा है गश्त करने का, उसको नहीं किया गया है। अपने इमाम बाड़ों में गश्त करके और टिपारियाँ रख दी गई। इमाम साहब बाबा साहब को हाल आए थे, जो मुरादी साथ में रहे, जिन लोगों ने अपनी अपनी दुआएं मांगी हैं उन सब ने उनको दुआ दी है। प्रार्थना है कि सबके लिए, खास हिंदुस्तान के लिए, इस मध्य प्रदेश के लिए, इस जबलपुर के लिए, कि कोरोना जो वबा फैल रही है वो जल्दी शांत हो और आने वाले दिनों में और भी तारीखें 6, 7, 8, 9, 10 को जो भी शासन की गाइडलाइन दी उसी हिसाब से मुहर्रम मनाया जाएगा और मुहर्रम मनाता चला जाएगा। मुहर्रम की जो सवारियाँ निकलती हैं दरगाह तक, उसको कैसे आप लोग दरगाह तक पहुँचेंगे? बस अपने अपने इमाम बाड़ों से सवारियाँ नीचे जो बन जाती हैं, सवारियाँ निकलती हैं और बेड़े के साथ में आगे बढ़ते चले जाते हैं, मुकाम आते जाते हैं और एक जगह पहुंचकर वो जगह भी पहुंच जाते हैं जो मदन महल दरगाह में पीरों के पीर बड़े पीर साहब का स्थान है, वहाँ हाजिरी करते हैं। वहाँ पर बहुत से दूर के जो लोग आते हैं वो वहाँ पर बाबा तीर हो जाते हैं। उनके जो बेड़े के लोग हैं वो चाय पानी नाश्ता और बाबा के यहाँ का लंगर लेते रहते हैं, बाद में लौट कर बाबा को फिर बुलाते हैं और अपने जगह के लिए फिर रवाना हो जाते हैं। आपका सम्मान मुबारक कादरी, एक शेर जरूर कहना चाहूँगा। ये हुसैन तुम्हारा ही काम था जो अपने लाल फिदा किए, तुम्हें इन सितारों ने डूब कर सभी गम का चांद बना दिया, सभी गम का चांद। मुबारक अली कादरी, दरगाह शरीफ, मदन महल, जबलपुर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।